जयपुर से अब खबर, जहां चाकसू टोल के पास युवक का शव मिला। पुलिस यहां पर हत्या की आशंका जता रही है। हत्या कर शव फेंकने की आशंका यहां पर पुलिस के द्वारा जताई जा रही है। मृतक की पहचान आपको बता दें, हनुमान सहाय के रूप में हुई है। प्रतापनगर थाने में युवक की गुमशुदगी का जो मामला है वो दर्ज है। प्रतापनगर थाना पुलिस इस पूरे मामले की जांच भी कर रही है। चाकसू टोल के पास युवक का शव मिला, सनसनी यहां पर फैल गई। शव मिलने के बाद, सूचना के बाद चाकसू पुलिस यहां पर मौके पर पहुंची, मौका मुआयना किया। शव की युवक की हत्या होने की यहां पर आशंका जताई गई। एफएसएल टीम को मौके पर बुलाकर सारे साक्ष्य यहां से जुटाए गए। साथ ही ये भी बता दें कि गौरतलब है कि मृतक की जो पहचान है वो हनुमान सहाय के रूप में हुई है, जिसकी प्रतापनगर थाने में गुमशुदगी की जो रिपोर्ट है वो दर्ज है। लापता युवक का शव मिलने के बाद पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर इस पूरे मामले की जाँच करना शुरू कर दी है। पुलिस हत्या कर शव फेंकने की जो आशंका है वो जता रही है। मृतक की जो पहचान है हनुमान सहाय के रूप में हुई है। प्रतापनगर थाने में इस युवक की गुमशुदगी की रिपोर्ट भी दर्ज थी। प्रतापनगर थाना पुलिस फिलहाल पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है कि क्या ये पूरा मामला रहा, किस प्रकार से चाकसू टोल के पास इस युवक का शव मिला। आशंका जताई जा रही है पुलिस के द्वारा कि हत्या करके और फिर ये शव फेंका गया है। पहचान हालांकि मृतक की हुई है हनुमान सहाय के रूप में। गुमशुदगी की रिपोर्ट भी प्रतापनगर थाने में दर्ज है। पूरे मामले की जांच पड़ताल में पुलिस लगातार जुटी हुई है और हत्या कर फिर शव फेंकने की जो आशंका है वो पुलिस के द्वारा यहां पर जताई जा रही है। चाकसू टोल के पास इस युवक का शव मिला, हनुमान सहाय के रूप में मृतक की पहचान हुई। प्रतापनगर थाने में युवक की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज है और प्रतापनगर थाना पुलिस इस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है।